हेलो दोस्तों, हम सब पिछली वीडियो में देखे थे जो है भारत के थोड़े बहुत उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश कौन कौन से स्थान कहाँ है, कितने देश जो है भारत से सीमा साझा करते हैं, कितने राज्य जो है स्थलीय हैं, कितने राज्य जलीय हैं। आज इसी क्रम में थोड़ा बहुत देखेंगे कि मतलब कौन सा चित्र कहाँ पर, पेंटिंग कहाँ पर मिली और कौन सा जो है झील कहाँ पर है, ऐसे ही थोड़ी समान जानकारियां देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हरिचंद गुरुजी द्वारा कुछ पूछेंगे। तो सर बताइए, मध्य प्रदेश में जो है कौन कौन सी गुफाएं और चित्रकला हैं? सबसे महत्वपूर्ण गुफा तो मध्य प्रदेश की भीमबेटका है, जिसकी खोज 1958 ईस्वी में बी एस वाड़करकर महोदय ने किया था। वहां पर 600 गुफाएं मिली हैं, जिसमें 275 में चित्रित गुफाएं प्राप्त होती हैं। तो ये सर गुफाएं जो हैं, ये गुफाएं में क्या चित्र था सर, किसका चित्र था? ये सारी गुफाओं में जितने भी चित्र थे प्रागैतिहासिक चित्र थे। इसमें आखेट के चित्र या जानवरों के चित्र, पशुओं के चित्र, वहां पे अंतरंग मित्र के रूप में भी दिखाया गया है चित्रों को। अच्छा, आखेट मतलब सर जो शिकार करते हुए? हाँ। अच्छा अच्छा सर, और ये अपना जो है कुछ एलोरा और अजंता जो महाराष्ट्र की गुफाएं हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत सुने थे तो बताइए सर। एलोरा, अजंता, ये गुफाएं महाराष्ट्र में है औरंगाबाद में। अजंता में 30 गुफाएं हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलोरा महाराष्ट्र में है, इसमें 34 गुफाएं हैं, ये 3 धर्मों से संबंधित है, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म। 3 धर्मों से संबंधित ये गुफा है। और यहाँ का सबसे मशहूर मंदिर है कैलाश मंदिर, जो गुफा संख्या 16 में पाया जाता है। तो इसी क्रम में हम देखते हैं, संजय बाबू कुछ बताइए, क्या आप झीलों के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, भारत के झीलों के बारे में? भारत की सबसे गहरी झील है मानसबल झील, जो जम्मू कश्मीर में है। नहीं, ये बताइए भारत में लगभग कितनी झीलें हैं? 1,00,000। 1,00,000 झीलें हैं? यस सर। और प्रमुख झीलें कितनी हैं? 62। और भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी? भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड, जो केरल में है। केरल में? अच्छा, संख्या की क्रम में देखें तो सबसे बड़ी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील। अगर वैसे देखें खारे पानी की तो चिल्का झील, जो ओडिशा में। ओडिशा में? तो बताइए जो है सबसे पुरानी झील कौन सी है? सबसे पुरानी झील पुकोड़ो, सबसे पुरानी झील है सुदर्शन, जो गिरनार के गुजरात में है। गिरनार के गुजरात में है। और सबसे छोटी झील? पुकोड़ो, ये जम्मू कश्मीर में है। झीलें कितनी प्रकार की होती हैं? झीलें 6 प्रकार की। कौन कौन सी हैं? गोखुर, लेगुन, कृत्रिम और सर दो बोल रहे हैं लगभग से, क्रेटर एक है। तो गोखुर झील बताइए क्या है? गोखुर झील, गोखुर झील बनता है सर, इसमें कावर झील है जो बिहार में है। और सर लेगुन में चिल्का झील, नेन्नार की पुलिका, केलेरू, अल्पुसा और कृति में कृति में ढेबर, बेला सागर, ऐसे हैं। तो देखो जो है कृत्रिम झीलें जो हैं यहाँ राजस्थान की, जो है सांभर झील है, ठीक है, सांभर झील है, ढेबर झील है और अपना जो है एक और है बल्लभ पंत झील, जो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और वैसे अगर देखें तो इनको जो है आकार और स्थिति के आधार पर कई प्रकार से बांटी गई है। जैसे क्रेटर झील हो गई, ठीक है, क्रेटर झील को वाल्केनो झील कहा गया है। कौन सा झील? वाल्केनो झील। ये क्रेटर उल्का पिंड झील इसी को कहा गया। जैसे लोनार, जो महाराष्ट्र का लोनार है, वहां पे जो है जो लोनार झील है, ये उल्का पिंड से कहा जाता है कि उल्का पिंड से बना है। इसका कलर जो है कुछ जो पानी होता है उस झील की, कुछ वर्षों बाद वो बदलता रहता है, ठीक है। एक होता है हिमानी द्वारा, मतलब जो ग्लेशियर द्वारा बनी झील। तो उत्तराखंड में आप जितना भी झील पाएंगे, जैसे नैनीताल झील, तमाम सारी झीलें जो हैं वो ग्लेशियर द्वारा बनी है, ठीक है। अभी सुने होंगे बहुत दुर्लभ स्थितियों में देखा जाता है कि वायु द्वारा बनी झील। किसके द्वारा? वायु द्वारा। तो वायु द्वारा झील भारत में कहाँ बनती है? राजस्थान में बनती है, ठीक है। जैसे राजस्थान का लून करंसर झील हो गया, पचपदरा झील हो गया, ठीक है। इस प्रकार की झीलें जो हैं वायु द्वारा बनती हैं, ठीक है। और ये जो गोखुर झील है, नदियां जब
चलती हैं शुरुआत से बहते हुए मैदानी भागों में आ जाती हैं, तो वहां जो है थोड़ा उनका आकार जो है यू आकार का हो जाता है। तो नदियां क्या करती हैं, जैसे पुरानी नदियां होती हैं, नई नदियां नया अपनी नई रास्ता को ढूंढ लेता है वो नदियां, वो जो ढूंढता है फिर वो जो टेढ़े रास्ते को होता है उसको छोड़ देता है, यू आकार की घाटी बना देता है, उसी को कहते हैं गोखुर झील। मात्र एक ही झील है कावर झील, जहां सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक भी आया करते थे, और यहां जो है साइबेरियन पक्षी हर साल आती रहती हैं, वो भी बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार की तमाम सारी झीलें हैं जो है अलग अलग हैं, जैसे अभी हुआ अपना, चलिए ठीक है थोड़ा और आगे इसी कड़ी में बढ़ते हैं। तो बताइए राहुल जी, आप कुछ बता सकते हैं थोड़ा बहुत बताइए। भारत अपने उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है, करके रेखा 23.5 डिग्री पर भारत को 8 राज्यों को काटती हुई जाती है। हाँ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, बस इतना इतना ही। और अंकित कुछ बताइए। सर एल्युमिनियम का एस्क मतलब बॉक्साइड उत्पादक राज्य उड़ीसा है, इसमें अधिक मात्रा में बॉक्साइड मतलब उत्पादन अधिक होता है। मीनाक्षी मंदिर मधुरे में पाया जाता है। हाँ, तो राहुल जी जैसे बताए हैं भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसके कई कारण हैं। ठीक है, भारत पहले जो है दक्षिणी गोलार्ध में था, कहाँ था, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ जिस काल में जिसे कहा जाता है 4 हलचलों के द्वारा निर्माण हुआ पृथ्वी का। ठीक है, कितने हलचलों में, 4 हलचलों में, जिसका उस हलचल का नाम है पहला जिसे CKHA, इसका ट्रिगर क्या, CKHA, सी मतलब होता है चर्मियन हलचल, के मतलब होता है कैरिडोरियन, और एच मतलब होता है हर्शियन हलचल, और ये मतलब होता है अल्पाइन हलचल। ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था भारत। ठीक है, ये गोंडवाना लैंड इधर का हिस्सा था। ठीक है, नीचे का गोंडवाना लैंड के बाद नीचे देखो मेडागास्कर, ये मेडागास्कर से टूटकर भारत जाके हिमालय पर्वत से धीरे धीरे होके जाके हिमालय पर्वत से पर्वत बना टकरा कर। ठीक है, इन चार हलचलों के द्वारा। ठीक है, तो कहा जा सकता है कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और एशिया के दक्षिणी पूर्वी मतलब दिशा में स्थित है। ठीक है, और अक्षांश रेखा जो इसको बीचों बीच से भारत को 8 राज्यों से काटती है, और देशांतर रेखा जो है इसको 82.5 अंश पे आके जो है इलाहाबाद के नैनी में, ठीक है, IST स्टैंडर्ड समय मापन रेखा निर्धारित करती है, वहीं से भारत का समय रेखा लिया जाता है। और इस रेखा मतलब कहा जाता है GMT एक रेखा बीचों बीच पूरे संसार को काटती है। इस अगर GMT रेखा के आप पश्चिम जाएंगे तो समय घटेगा, अगर पूरब जाएंगे तो समय बढ़ेगा। ठीक है, और आगे गुरु जी बताएंगे कुछ अशोक स्तंभ या इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। सर बताइए। जैसा कि हमें पता है अशोक स्तंभ के शीर्ष पर 4 पशु हैं। ठीक है सर, 4 पशु कैसे, हमको तो 3 ही दिखाई देते हैं। हाँ बता रहे हैं, शीर्ष बिल्कुल शीर्ष पे आप देखते हैं शेर हैं जो कि एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं, और ठीक उसके नीचे जब आएंगे तो 4 पशु एक दूसरे के पीछे पीछे लगे हैं, और बीच में एक चक्र लगा हुआ है जो अशोक चक्र है, उसी से हमारा अशोक चक्र लिया गया है। पूरब तरफ में एक विशालकाय हाथी है, पश्चिम तरफ में एक वृषभ यानी बैल है, दक्षिण तरफ में एक घोड़ा है, और उत्तर दिशा में शेर है। हाथी जो पूरब दिशा में है ये विशालता का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है। पश्चिम में जो वृषभ बैल है ये जो है उर्वरता का प्रतीक है। जो है उत्तर में जो लायन शेर है ये निडरता का प्रतीक है, और बचा एक हमारा हॉर्स घोड़ा जो दक्षिण में है ये जो है राजस्व विस्तार का प्रतीक है। राजस्व विस्तार गति गति का। जी जी लीजिए। तो दोस्तों अगला जो है पार्ट, या कह सकते हैं कि अगला एपिसोड हम सब कल देखेंगे इसी क्रम में, और महत्वपूर्ण जानकारियों को लाते रहेंगे, और जो है इसी तरीके से और अच्छी अच्छी चीज़ें लाते रहेंगे। इसके इस पार्ट को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और जिसमें जो गलतियां हों
उसको आप कमेंट करके बताया करिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।